राजधानी दिल्ली के किराड़ी इलाके में कपड़ों के एक गोदाम में भीषण आग लगने से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना में 2 बच्चे भी बुरी तरह से घायल हो गए। घायल बच्चों को दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक जिस समय गोदाम में आग लगी उस समय गोदाम में 13 लोग फंस गए थे। दिल्ली अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलने के तुरंत बाद 8 अग्निशमन वाहनों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। बताया कि तड़के 3:50 पर आग पर काबू पाया जा सका। ये 3 मंजिला इमारत संकरी गली में होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें सामने आई। बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी कि इसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपने कब्जे में ले लिया था। किराड़ी के जिस बिल्डिंग में यह आग लगी है उसमें 2 परिवार रहते थे जिन्हें दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू किया। हालांकि इनमें से 9 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ जिससे आग और भड़क गई थी। हुआ ये था कि हमारे पड़ोसी हैं और वो बाजार का काम करते हैं, तो आके हम तो सो गए थे और सोने के बाद वो आकर के दरवाजा पीट रहे थे, जोर जोर से आवाज़ लगा रहे थे कि आग लगी है, जल्दी उतरो। तो हमने देखा अपने कि क्या हुआ था, भी कैसे अल्लाह मजरा के लिए अंदर। हम जब निकले तो देखा तो भयंकर आग लगी हुई थी। जब आग का माहौल देखा तो हमने फिर बचाव कार में हमने कपड़े फपड़े भी कुछ नहीं डाला के ऐसे ही जा करके उनको बचाव कार में लग गए। पानी उड़ गया, कुछ करते रहे, इनको हमारा समाधान नहीं हो पाया, लेकिन हमने 2 बच्चों एक लेडीज़ को बचा लिया है। भाई का है करीब 12:30 बजे की घटना है, लगभग यही टाइम रहा होगा। और उसके बाद नीचे कपड़े का गोडाउन था और पूरी फैमिली ऊपर रहती थी, तो इनका बेटा एक गया हुआ था हरिद्वार। और पूरा जब लोग हम लोग गली में शोर मचा तो देखे हम लोग आकर के, तो फिर उसके बाद पहले 100 नंबर की गाड़ी आई, उसके बाद कुछ पुलिस वाले बाइक से आए, फिर फायर की गाड़ी, फिर एम्बुलेंस वगैरह सब आई। तो काफ़ी लोग करीब 7-8 आदमी ख़त्म हो गए, करीब 11-12 लोग 13 लोग थे इसमें फैमिली में। तो मेरे ख्याल से 2-3 लोग बचे हुए हैं, कुछ अस्पताल में हैं, बाकी तो सारे ख़त्म हो गए।